फिरोजाबाद में दिल्ली के शाहीन बाग निवासी युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी पत्नी, उसका प्रेमी व प्रेमी के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या में प्रयोग होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 दिन में इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग दिल्ली निवासी युवक कपिल फिरोजाबाद न्यायालय में तारीख पर आया था। कपिल की पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त की मदद से उसकी हत्या कर दी। पति के खिलाफ पत्नी का न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। बता दें कि फिरोजाबाद में विगत शनिवार को दिल्ली के शाहीन बाग निवासी कपिल चंद्र पुत्र ब्रह्मचंद्र का शव थाना रामगढ़ क्षेत्र के बंबा बाईपास किनारे स्थित नाले में मिला था। शव की शिनाख्त उसकी बहन राखी और मां ब्रह्मवती ने जिला अस्पताल में की थी। हत्या के इस मामले में बहन और मां ने मृतक की पत्नी और ससुरालजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस पर थाना पुलिस ने मृतक कपिल की पत्नी एवं सास को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। थाना रसूलपुर पुलिस ने पत्नी और सास को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 दिन में ये हत्याकांड का खोल किया है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये थाना रामगढ़ में एक डेड बॉडी मिली थी 15 तारीख को, जिसकी शनाख्त नहीं हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये पता चला कि ये मृतक जो है, इसका नाम कपिल है और ये दिल्ली का रहने वाला है और यहाँ पर जुडिशरी कोर्ट में अपनी तारीख पर आया हुआ था। इस मैटर को जब प्रोब किया गया तो पता चला कि इसका और उसकी पत्नी का आपस में न्यायालय में वाद चल रहा था और 10 तारीख को ये अपनी तारीख पर आया था। उस दिन के बाद से ही ये लगातार गुमशुदा चल रहा था। प्रभारीजन से जब वार्ता की गई और इस पूरे प्रकरण को जब देखा गया तो ये संज्ञान में आया कि इसकी पत्नी ने अपने पैरामोर के साथ मिलकर के, अपने लवर के साथ मिलकर के, इसका नाम चंदन है और उसके साथ ही साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी है। अभी ये मुलजिम थी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें इसकी पत्नी चंदन और प्रमोद ये गिरफ्तार है, तथा लोहे की रॉड जिससे इसका सिर फाड़ा गया था और वो रस्सी जिससे हाथ बांधे गए थे उसके टुकड़े ये पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। और अभी इस केस में और प्रगति की जा रही है, विवेचना की जा रही है। इसके अलावा जिन प्रभारी जन की संलिप्तता पाई जाती है उनकी भी गिरफ्तारी सुनी जाती है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।